हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गीता एंड मेरे चैनल का नाम है गीतास कॉर्नर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके पास होगा एक बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जो भी अपलोड्स करूंगी, जो भी वीडियोस मैं डालूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के बारे में बताऊं तो आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिनों से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक और वीडियो बनाऊं मुर्गा पनिशमेंट एंड उठक बैठक के बारे में। तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दिस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उठक बैठक के बारे में। तो उठक बैठक का नाम सुनते ही आपको अपने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे पक्का, क्योंकि बचपन में ये बहुत ही कॉमन पनिशमेंट्स रहा करते थे, मुर्गा पनिशमेंट एंड उठक बैठक का पनिशमेंट। जब भी हम कुछ गलती करते थे, जब भी हम कुछ शैतानी करते थे, तो हमारे टीचर्स यही कुछ पनिशमेंट्स देते थे कि उठक बटक करो या मुर्गा पनिशमेंट करो। तब हमें बहुत ही टॉर्चर लगता था, तब हमें लगता था यार क्यों दे रहे हैं। बट अभी समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो रीज़न था ही था। तो बेसिकली अगर उठक बटक के बारे में बात करूँ तो उठक बटक एक्चुअली पनिशमेंट करके हमें लगता था, बट इट्स अ ब्रेन योगा और ब्रेन एक्सरसाइज करके बोलते हैं, सुपर ब्रेन एक्सरसाइज करके बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब भी आप उठक बैठक करते हो, फर्स्ट थिंग आपका दिमाग बहुत तेज हो जाता है, सेकंड थिंग आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, थर्ड थिंग उठक बैठक करने से पूरे बॉडी को एक्सरसाइज मिल जाता है। एंड इससे क्या होता है कि आपकी सुस्ती जो है बॉडी में वो सारा कुछ चला जाता है। तो इसीलिए जब भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे पढ़ाई में और जब भी हमें नींद आती थी या सुस्ती आती थी, तब हमें टीचर्स ये वाला पनिशमेंट देते थे, उठक बैठक वाला या मुर्गा पनिशमेंट। अब बात करती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे भी ये पनिशमेंट मिला था बचपन में, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तब मुझे टॉर्चरिंग लगा था, टू बी फ्रैंक मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा था सबके सामने उठक बैठक करने में। बट अभी लगता है कि जो भी हमारे टीचर्स हमें बोलते थे उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था ही था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ। अभी चलिए उठक बैठक करके देखते हैं कि अभी कैसा लगता है हमें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको करना पड़ेगा वार्म अप, क्योंकि इससे आपके घुटनों में या किसी इसमें दर्द नहीं होगा, इससे आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा एंड एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। आपको पहले अपने कान पकड़ने हैं, आपको लेफ्ट हाथ से आपका राइट कान पकड़ना है, राइट हाथ से आपको लेफ्ट कान पकड़ना है। कान का कौन सा एरिया पकड़ना है वो भी बताती हूँ आपको। कान का लॉब पकड़ना है, लॉब इन द सेंस कान का जो निचला हिस्सा रहता है, जहाँ आप कान की बालियाँ पहनते हो, वो वाले हिस्से को आपको पकड़ना है। पकड़ के आपको उठक बैठक करना है। पहले आप हाफ उठक बैठक कर सकते हो, थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद आप पूरा स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपका पूरा बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगा, इससे आपकी सुस्ती भाग जाएगी और इससे आपका ब्रेन सुपर फास्ट चलेगा एंड कंसंट्रेशन तो सीरियसली बढ़ ही जाएगा। तो आप घर में एक बार ट्राई करके देखिए, ट्राई कर कमेंट करना मत भूलिए मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड कुछ और सजेशंस है तो आप मुझे बता सकते हो। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।